नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ जैसे यहाँ पे आप हाईलाइट को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे आपने हाईलाइट डाला है यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे मेरी दूसरी वाली प्रोफाइल पे बता देता हूँ, उस पर मैंने बहुत सारे हाईलाइट डाले हुए हैं। अगर आपके भी प्रोफाइल में ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जैसे यहाँ पे मेरे हैं यहाँ पे बहुत सारे हाईलाइट है और आप चाहते हो तो यहाँ पे रिमूव करना, तो ऐसे यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिमूव करना बहुत ही सिंपल है, बट बहुत सारे यूज़र वो आता नहीं है तो ऐसे यहाँ पे वो रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर वीडियो ही बना देता हूँ और आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सब स्टेप्स बताए हैं, मेथड्स बताए हैं, तो ये वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कुछ भी अगर डाउट्स है तो वो भी यहाँ पे आप मुझे नीचे पूछ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला स्टेप आपको जो फॉलो करना है वो ये है, यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे आ जाइए। प्ले स्टोर पे आ जाने के बाद में यहाँ पे आप सर्च कीजिए इंस्टाग्राम और देख लीजिए अगर यहाँ पे ये एप्लीकेशन में कुछ अपडेट आता है तो एक बार आप इसे एप्लीकेशन को अपडेट ज़रूर कर दीजिए। अपडेट से ये फ़ायदा होता है कि जो भी नए नए चेंजेस आते हैं वो यहाँ पे आपके मोबाइल के लिए भी अप्लाई हो जाते हैं। तो एक बार आप इस ऐप को यहाँ से अपडेट ज़रूर कर दीजिए। अपडेट हो जाने के बाद में हम इसे यहाँ से ओपन कर दीजिए। ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पे आप चले जाइए नीचे प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर आ जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी फोटो लो आप लोग यहाँ पे मतलब हाईलाइट को रिमूव करना है वो यहाँ पे हाईलाइट आप ओपन कीजिए। ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको चले जाना है यहाँ पे थ्री डॉट्स पे। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद में यहाँ पे आप चले जाइए रिमूव फ्रॉम हाईलाइट और यहाँ पे आ रहा है रिमूव फोटो फ्रॉम हाईलाइट। तो यहाँ पे रिमूव करोगे तो बस फोटो ही रिमूव होगा, बट अगर आपको पूरा हाईलाइट ही रिमूव करना है तो यहाँ पे थ्री डॉट पे चले जाइए। थ्री डॉट पर जाने के बाद में एडिट हाईलाइट पे चले जाइए और यहाँ पे तीनों फोटो को ऐसा टिक कर दीजिए और यहाँ पे डन पे चले जाइए। और यहाँ पे सिलेक्ट मतलब पहले ये सब फोटो सिलेक्ट थे बट अभी मैं इसे अनसिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डन और यहाँ पे डिलीट हाईलाइट, तो यहाँ पे डिलीट। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी हाईलाइट डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह यहाँ पे आप हाईलाइट अभी डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप सब मेथड समझा दिए हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।